आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 2 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। कांस्टेबल मोनिका यादव की हत्या का आरोपी अब जाकर गिरफ्तार हुआ है। साथ ही कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ही कातिल निकला। 2 साल पहले मोनिका यादव की हत्या कर दी थी सुरेंद्र सिंह राणा ने। अपने साले के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लड़की के परिजनों को धोखा देने के लिए गहरी साजिश रची। कॉल डिटेल से पुलिस ने इस पूरे मामले का अब जाकर खुलासा किया है। तो ये पूरा जो मामला है वो जरा आपको बता देती हूं किस तरीके से कांस्टेबल मोनिका यादव जिसकी हत्या कर दी गई थी 2014 में दिल्ली पुलिस में, ये मोनिका यादव कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुई थी। इसके बाद 2019 में दिल्ली पुलिस से इस्तीफा मोनिका यादव ने दे दिया था। यूपी में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ था मोनिका यादव का। होनहार थी मोनिका यादव। मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने में जुटी हुई थी मोनिका यादव। साथी कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा से दोस्ती थी और दोस्ती जो है वो पुरानी। इसी दौरान 2021 में मोनिका लापता हो गई और तब से कहीं ना कहीं राज गहरा था मोनिका का। 8 सितंबर 2021 को अलीपुर में हत्या मोनिका की कर दी गई। 1 अक्टूबर 2023 को अब जाकर इस हत्या को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है और साथी सुरेंद्र सिंह वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। जो लेडी कांस्टेबल थी 2021 में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। दिल्ली पुलिस में वो भर्ती होगी थी 2014 में और फिर पीसीआर में रही 4-5 साल तक। पीसीआर में ये भी था, पराक्रम बैन पे इकट्ठे थे तो इनकी जान पहचान होगी। वो उसको डेढ़ा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूँ और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी तुम मेरे पे ये दबाव बना रहे हो उसका, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये बोलना खुल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। तो 21 की ये मर्डर मिस्ट्री और अब 23 में जाकर सुलझी है और ऐसे में आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिरकार कांस्टेबल मोनिका को मारा क्यों इस सुरेंद्र सिंह राणा ने। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा दरअसल मोनिका यादव से शादी करना चाहता था, ये सबसे बड़ी वजह थी। यूपी सब इंस्पेक्टर पद पर चयन के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, ऐसा अब ये बता रहा है। सुरेंद्र सिंह राणा साथ रहने के लिए फोर्स करता था मोनिका को। जो परेशान थी मोनिका, उसने घर वालों से शिकायत करने की धमकी इसको दी। जब सुरेंद्र राणा को पत्नी से शिकायत की धमकी भी दी इसको, तो इसी से आरोपी डर गया और इसका नतीजा क्या हुआ, पोल खुलने की डर से इस आरोपी ने गहरी साजिश रची पीड़िता के खिलाफ। हत्या करने से पहले अपने साले अरविंद को अपने साथ मिलाया और देखिए किस तरीके से गहरी साजिश रचकर घूमने के बहाने 8 सितंबर की तारीख थी जब ऑटो से अलीपुर ले गया वो मोनिका यादव को, सुनसान जगह पर ले जाकर मोनिका का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और तब से मोनिका लापता। परिवार वाले परेशान कि आखिरकार बेटी कहां गई और अब जाकर 21 का ये मामला 23 में जाकर सुलझा। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर जो घटना होती है वो पूरे देश का दिल झकझोर करके रख देती है और ऐसी ही एक घटना देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई है, जहां पर 2 साल पहले हुई महिला कांस्टेबल की हत्या की गुत्थी जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है वो सुलझा ली है। आपको बता दें कि सितंबर 2021 को दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की हत्या में जो नाम सामने आया है, जो मुख्य आरोपी है, वो खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है और उसने उस महिला कांस्टेबल जिसके साथ जो है वो जो उसकी दोस्त थी उसकी हत्या करके हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा जिसका नाम है, उसने अलीपुर गांव के एक नाले में उस महिला कांस्टेबल का शव जो है वो छुपा दिया। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं
उसी नाले की, उसी जगह की, उसी स्पॉट की जहां पर इस कानून के भक्षक ने, सुरेंद्र सिंह राणा ने महिला कांस्टेबल मोनिका यादव के शव को जो है वो इसी जगह पर जो है वो छुपा दिया। जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहां पर आई और यहां से जो महिला कांस्टेबल का शव जो है वो इसी नाले के अंदर से जो है वो निकाला। 2 साल हो चुके थे इसलिए महिला का शव जो है वो पूरी तरीके से गल चुका था। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली। और आइए जरा अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिरकार 2 साल के बाद ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो सुलझी कैसे। दरअसल आरोपी के साले अरविंद की जो कॉल डिटेल्स हैं उसी से इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। आरोपी सुरेंद्र सिंह राणा ने साले अरविंद का इस्तेमाल किया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और ऐसे में अरविंद से मोनिका के परिजनों को फोन कराया करता था सुरेंद्र सिंह राणा। मोनिका साथ में है फोन पर, ऐसा दावा करता था सुरेंद्र सिंह राणा, ताकि परिवार को यह लगे कि वो जिंदा है, मरी नहीं है। परिजनों से जल्द वापस आने की बात भी करता था इसका साला। आरोपी ने मोनिका की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और वही आवाज जो है वो परिजनों को सुना दिया करता था। परिजनों के दबाव पर वही रिकॉर्डिंग बार बार दोहरा कर उनको सुना दिया करता था, तो परिवार वालों को ऐसा लगता था कि शायद लड़की जिंदा है, उनके संपर्क में, लेकिन नहीं है। परिजनों की शिकायत पर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने अरविंद के फोन को ट्रैक करना शुरू किया। अरविंद ने फेक आईडी पर यह नंबर लिया हुआ था, अपने नंबर से फोन नहीं करता था, फेक आईडी पर नंबर लिया हुआ था। फेक आईडी पर दोस्त राजपाल की फोटो लगी हुई थी, वो अरविंद का ही दोस्त था। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को जाकर पकड़ा, जब राजपाल को दबोचा, उस पर जब दबिश दी, तो फिर राजपाल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला जो है वो पूरी तरीके से खुलता चला गया और आखिरकार मोनिका की मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।